प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। फर्स्ट टॉपिक, पीआईबी में प्रकाशित लेख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ब्याज सब्सिडी पर आधारित है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी योजना को मंजूरी प्रदान की है। चलिए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ऋण सब्सिडी योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण छोटे व्यापारियों को हुए नुकसान से राहत प्रदान करना तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋण का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की आर्थिक मदद करना है। चलिए देखते हैं कि ब्याज सब्सिडी योजना के मानदंड क्या हैं। प्रथम, जिन ऋणों का भुगतान 31 मार्च 2020 तक बकाया था। द्वितीय, 31 मार्च 2020 को तथा योजना की परिचालन अवधि के दौरान ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें वे ऋण भी शामिल किए जाएंगे जिन्हें पूर्व में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था परंतु बाद में उन्हें निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में शामिल किया गया हो। इस योजना की अनुमानित लागत 1542 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चलिए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई है। पहला, शिशु ऋण 50,000 रुपए तक के ऋण को कहते हैं। दूसरा, किशोर ऋण 50,000 एक से 5 लाख रुपए तक के ऋण को कहते हैं। तीसरा, तरुण ऋण 5 लाख एक से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण को कहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रा कंपनी को 100% पूंजी का योगदान के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, द हिंदू में प्रकाशित लेख समुन्तल की मैपिंग पर आधारित है। हाल ही में जापान के निप्पान फाउंडेशन तथा जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ दी ओशियन यानी GEBCO के सहयोग से संचालित सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के समुन्तल के लगभग 1/5 हिस्से की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के अवसर पर निप्पान फाउंडेशन द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि GEBCO सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के तहत नवीनतम ग्रिड में 1.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बाथीमेट्रिक डेटा को शामिल किया जा चुका है। यहां आपको बता दें कि 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है तथा इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पारित करके की गई थी। निप्पान फाउंडेशन GEBCO के सीबैक 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2030 तक संपूर्ण विश्व के समुन्तल की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाना है। वर्ष 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, तब से लेकर अब तक आधुनिक मानकों के अनुसार समुन्तल सर्वेक्षण का लगभग 6% से 19% तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस परियोजना के माध्यम से विश्व के समुद्री संसाधनों के बारे में नीतिगत निर्णय लेने, महासागर की सही स्थिति की जानकारी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख निजी क्षेत्र और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग पर आधारित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए निकाय के गठन को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र यानी इन स्पेस भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के माध्यम से दूरगामी सुधार सुनिश्चित करेगा तथा साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए सुधारों का एक हिस्सा भी है। चलिए देखते हैं कि इस निकाय के कार्य क्या हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित यह निकाय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एवं अन्य प्रत्येक व्यक्ति संस्था के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगा जो अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं अथवा भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं।
आपको बता दें कि इन स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इस निकाय के गठन का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपनी आवश्यक गतिविधियों जैसे अनुसंधान एवं विकास, ग्रहों के अन्वेषण और अंतरिक्ष के रणनीतिक उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित कर सके और अन्य सहायक कार्यों को निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक पीआईबी में प्रकाशित लेख एक्सट्रीम हीलियम तारे से संबंधित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में गर्म एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के वायुमंडल में पहली बार एकल आयन फ्लोरीन की उपस्थिति का पता चला है। आपको बता दें कि यह अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है तथा इस शोध या अध्ययन के लिए हानले लद्दाख में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में संचालित 2 मीटर हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप पर लगे हुए हानले एसएल स्पेक्ट्रोग्राफ से 10 गर्म एक्सट्रीम हीलियम स्टार के उच्च रिजोल्यूशन एसएल स्पेक्ट्रा प्राप्त किए गए हैं। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि एक्सट्रीम हीलियम के निर्माण में मुख्य रूप से कार्बन ऑक्सीजन और एक हीलियम के श्वेत वामन तारों का विलय शामिल है। चलिए भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के विषय में जानते हैं। यह देश का एक प्रमुख संस्थान है जो खगोल तारा भौतिकी एवं संबंधित भौतिकी में शोध कार्य को समर्पित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अवलंब से संचालित यह संस्थान आज देश में खगोल एवं भौतिकी में शोध एवं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। वर्ष 1975 में संस्थान का मुख्यालय कोरमंगला बेंगलुरु में स्थानांतरित हुआ है जो कि पहले कोडे कनाल में था। फिल्म विशेष की श्रृंखला यही समाप्त होती है। धन्यवाद।